गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे स्केप स्पीड, सब चीज बता दिया था मैंने आपको, बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया था, पीएमटी का, नीट का, एम्स का सारा क्वेश्चन कंप्लीट, बहुत सारा एडवांस का क्वेश्चन मैंने कराया था, आईटी मेन का भी क्वेश्चन कराया था, आज भी क्वेश्चन ही है, स्केप स्पीड्स पे क्वेश्चन ही है। अभी 8-9 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। सो आज क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन नहीं है इसमें, आज के क्लास में सिर्फ आईटी मेन का और एडवांस का क्वेश्चन है, पीएमटी का, एम्स का जितना भी क्वेश्चन था सब मैं करा चुका हूं आपको, ठीक है। सो सेम पैटर्न, मैं एक स्लाइड बनाता हूं और स्लाइड को अभी मैं प्रेजेंट करूंगा, आप वीडियो को स्टॉप करेंगे, गिवन लिखेंगे, एक ड्रॉइंग बनाएंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आईटी मेन का देता हूं और फिर उसके बाद एडवांस, फिर मेन, एडवांस, पीएमटी, 100% फाइनल स्केप स्पीड, सैटेलाइट फाइनल, उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइनल, पीएमटी का 95% ग्रेविटेशन कंप्लीट है। सो अभी मैं क्वेश्चन एक स्लाइड बनाता हूं, जस्ट यहां पे देता हूं। सो ये आईटी मेन का क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो आईटी एडवांस में 3 times पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 आईटी एडवांस में पूछ चुका है वही क्वेश्चन, यहाँ भी लिखा हुआ है 2-star सिस्टम है, आइडेंटिकल मास है, दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है डी है आपका, दोनों का जो कॉमन सेंटर है, ये कॉमन सेंटर जो हुआ वहां से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है और मिनिमम स्पीड चाहिए कि स्केप कर जाए, ये तो आप 3 पढ़ चुके हैं, आईटी एडवांस के पुराने क्वेश्चन को आईटी मेन में रिपीट किया जाता है, तो आईटी एडवांस के एक एक क्वेश्चन को आपको बनाना होता है, तो ऐसा क्वेश्चन इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आईटी मेन का जो आप पेपर देते हैं तो एडवांस के पुराने क्वेश्चन को ही लैंग्वेज चेंज कर देता है, डाटा चेंज करके पूछा जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं एस्केप करने के लिए, एस्केप करने के लिए आप रिजल्ट जानते हैं कि फ्री और ओपन पाथ, फ्री एंड ओपन पाथ के लिए साइंस का रूल है टोटल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट पॉइंट ओ, कॉमन सेंटर ओ पॉइंट पे। सो टोटल एनर्जी का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पहले कर लेते हैं, इक्वल टू करेंगे ही हम लोग, काइनेटिक एनर्जी एम नॉट का हाफ एम नॉट वी स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी, दो है, दो पोटेंशियल एनर्जी, एक फर्स्ट स्टार के चलते, दूसरा सेकंड स्टार के चलते, और ये हो गया डिस्टेंस डी बाई टू। सो फर्स्ट स्टार का होगा माइनस जी और एम और एम नॉट, और डिस्टेंस जो है वो है डी बाई टू, माइनस अगेन जी एम एम नॉट, और यहां से भी इसका इस पॉइंट का डिस्टेंस डी बाई टू, सो ये है डी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप मिनिमम स्पीड करेंगे, मिनिमम स्पीड के लिए आप जानते हैं इक्वल टू 0 करते हैं, वो इक्वल कर लीजिएगा, सो आप सॉल्व कर लेंगे, एम नॉट हट जाएगा, तो अगर वी स्क्वायर बाई 2 मिनिमम, और अगर 2 कर रहे, सो आप सॉल्व कर लीजिए, और आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ जैसा आपको एम नॉट कट जाएगा, और एम नॉट कट जाएगा 4 जी एम बाई डी, ठीक, आप सॉल्व करेंगे v मिनिमम, सो ये यहां चला जाएगा अंडर रूट 8 जी एम बाई डी। सो सिंपल क्वेश्चन जो कई बार आप पहले पढ़े हुए हैं, और अब सारा डाटा आपके पास है, कैपिटल G तो कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 8 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 11 हो गया, मास लिखा हुआ है, यूनिट तो सही है 3 × 10⁻³১ और डी 2 × 10⁻¹১। ये है आपका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, सॉल्व कर लेंगे, ये 22 हुआ आपका,
सो अंडर रूट आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ 4 हो गया और 4 मल्टीप्लाई विथ 3 ये 12 हो गया और यहाँ पे हो गया 6.67 और ये हो जाएगा पावर करिएगा यहाँ पे 22 और 22 उसमें से घटेगा सो 10 पे पावर 9 होगी। सॉल्व करेंगे एक जीरो और हटा लेंगे सो रूट 1.2 मल्टीप्लाई बाई 6.67 वो कैलकुलेशन करना है बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक जीरो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ तो ये 10 पे पावर 10 होता तो बाहर निकलेगा 5। सो फाइनली मिनिमम स्पीड जो है ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नियरली ये आएगा 7 के टाइम 7 आएगा 7 जो है अगर आप रूट 7 ले रहे हैं तो रूट 7 टू रूट 2 और 2.7 2.8 के पास मैं ऑप्शन देख रहा हूँ 2.7 2.8 यस 2.8 10 पर पावर 5 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन ए 2.8 10 पर पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तीन ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका सो ये था आईटी मेन का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही है आईटी एडवांस का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एक एडवांस का क्वेश्चन देखता हूँ फिर कॉन्सेप्ट सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है जैसे स्लाइड आएगा उसको स्टॉप करेंगे आप स्टॉप करके जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके रिस्पेक्ट में एक अच्छा सा ड्राइंग करेंगे और ड्राइंग करके फिर आप सॉल्व करेंगे और फिर मैं यहाँ पे आप मैं सॉल्व करूँगा आप चेक करेंगे मिलाएंगे अपना क्वेश्चन को अपने आंसर को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का है और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मल्टीपल ऑप्शन में आ रहा है क्वेश्चन आपका। सो थ्री प्लैनेट्स हैं पी क्यू आर और लिखा हुआ कि सबका डेंसिटी सेम है डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है आपका। फर्स्ट प्लैनेट का जो मास है एम पी सेकेंड प्लैनेट का मास है एम क्यू और इसका मास लिखा हुआ एम पी प्लस एम क्यू। सरफेस एरिया एक का लिखा हुआ ए और दूसरे का लिखा हुआ 4a इसका नहीं लिखा हुआ इसका सरफेस एरिया नहीं लिखा हुआ डेंसिटी सेम है स्केप डेंसिटी वीपी वीक्यू ये आ रहा है तो एक तो ऑर्डर चाहिए इसका और कुछ ऑप्शन में रेशियो भी निकालना है स्केप स्पीड का रेशियो है। सो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है आप पढ़े हुए हैं कि फॉर कांस्टेंट डेंसिटी आप कर लेंगे कि व्हेन डेंसिटी कांस्टेंट सो आप पढ़े हुए हैं एस्केप स्पीड जो होता है वो होता है आर अंडर रूट 8/3 पाई रो और जी तो ये अंडर रूट के में जो भी टर्म है 8/3 पाई रो जी वो सब तो कांस्टेंट हो गया। सो फाइनली एस्केप स्पीड जो है वो डिपेंड करता है आर के ऊपर तो ये एक कॉन्सेप्ट ऐसे आप नोट कर लेंगे या आप पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो आप एक एक करके पॉइंट में ऐसे नोट करते रहें। फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि डेंसिटी कांस्टेंट है तो आप पढ़े हुए हैं तो स्केप स्पीड जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू रेडियस ठीक। अब हमें रेडियस निकालना है रेडियस हमें कैलकुलेट करना है अब रेडियस सबका अगर निकल जाए तो हम लोग वो ऑर्डर बना लेंगे सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट जो प्लैनेट का एरिया एरिया ऑफ प्लैनेट जो है पी वो लिखा हुआ है आपका 4 पाई मान लीजिए आर पी का स्क्वायर ये ऐसे 4 पाई रेडियस मान लीजिए इसका रेडियस है तो रेडियस ऑफ प्लैनेट पी का स्क्वायर और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए तो प्लैनेट जो सरफेस एरिया है अगर प्लैनेट पी का रेडियस अगर आर ले रहे हैं तो सरफेस एरिया जो हुआ 4 पाई आर स्क्वायर ठीक है और इसका दिया हुआ है क्यू का सरफेस एरिया ऑफ प्लैनेट क्यू जो है वो लिखा हुआ है 4 पाई आर रेडियस ऑफ प्लैनेट क्यू का स्क्वायर और ये पेपर में लिखा हुआ 4a। देखिए ये एक इंफॉर्मेशन है मेरे पास यहाँ इसके हेल्प से इनका रेडियस का तो ऑर्डर बन जाएगा। अब अगर आप डिवाइड कर दें यहाँ पे अगर आप 2/1 डिवाइड कर दें तो रेडियस ऑफ क्यू का स्क्वायर बाय रेडियस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
सो रूट ले लेंगे तो रेडियस ऑफ प्लैनेट क्यू इज इक्वल टू 4 टाइम स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो 2 टाइम रेडियस ऑफ प्लैनेट क्यू। तो एक तो चलिए ये बना, रेडियस का तो कॉन्सेप्ट मिला, ठीक है। अभी और थर्ड का भी रेडियस मिल जाए तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं प्लान। तो स्केप के स्पीड के लिए हमें सिर्फ रेडियस चाहिए, और रेडियस के लिए दो प्लैनेट का तो रेडियस रेशियो हम लोग सरफेस एरिया से बना सकते हैं। ओके, थर्ड प्लैनेट इसका हमें चाहिए था। देखिए थर्ड पॉइंट पेपर में देखिए एक हिंट लिखा हुआ, ये लिखा हुआ मास ऑफ प्लैनेट आर इज इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट पी प्लस मास ऑफ प्लैनेट क्यू। एक अच्छा सा हिंट लिखा हुआ है कि इस प्लैनेट आर का जो मास है मास ऑफ प्लैनेट पी प्लस मास ऑफ प्लैनेट क्यू, ये लिखा हुआ पेपर में। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं। मास का मतलब होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो आप यहां लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये है प्लैनेट आर का डेंसिटी। इसके लिए लिख सकते हैं डेंसिटी तो तीनों प्लैनेट का क्या है, सेम है आपका, तो यहां आप लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, अगेन डेंसिटी लिखेंगे और 4/3 पाई, और यहां पे आपको नोट करना है आर क्यूब। हो गया, अब देखिए यहां पे रो 4/3 रो 4/3 पाई 4/3 पाई सब कैंसिल हो गया। सो आप यहां पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ प्लैनेट आर का होल क्यूब, रेडियस ऑफ प्लैनेट पी का होल क्यूब, रेडियस ऑफ प्लैनेट क्यू का होल क्यूब, ठीक ना। रेडियस ऑफ प्लैनेट क्यू लिखा हुआ आपका ये, सो आप ऐसे लिख सकते हैं, सो रेडियस ऑफ प्लैनेट पी का क्यूब प्लस, यहां देखिए तो इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो 2π³ 8 हो गया, और रेडियस ऑफ प्लैनेट पी का होल क्यूब सॉल्व करेंगे यहां पे, सो यहां आप जोड़ लेंगे 9 रेडियस ऑफ प्लैनेट होल क्यूब। सो रेडियस ऑफ प्लैनेट आर जो आया आपका 9 9π³ 1/3 और इनटू रेडियस ऑफ प्लैनेट पी, ये आप नोट कर लेंगे, ये ऐसे लिखें, हो गया आपका। तो स्टेप बाय स्टेप आईडी क्वेश्चन है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, जहां जहां हिंट लिखा हुआ था सरफेस एरिया उससे रेडियस वहां पे निकाल लीजिए, एक मास का हिंट लिखा हुआ था उससे आप रेडियस निकालेंगे तो ऐसा आ गया। और ये आप जानते हैं ना, आप ये तो जानते हैं कि नाउ 8π³ 1/3 इज इक्वल टू होता है साइंस में 2, सो 9π³ 1/3 ये एग्जैक्ट तो नहीं पता है बट ये तो कंफर्म है कि ये मोर देन टू ये तो पता है, ये नंबर जो है 8 की जगह 9 आ गया तो 2 से तो ज्यादा होगा आपका। अब एक जगह आप कलेक्ट करेंगे, आपने क्या क्या देखा, चलिए आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे। ओ ये मिस्टेक हो गया मुझसे, रेडियस ऑफ यहाँ पी था ना आपका, क्या आपने निकाला ये दोनों साइड क्यू और क्यू लिख दिया मैंने, सो इससे ऊपर क्या था, इससे ऊपर क्या था आपका रेड ए था इज इक्वल टू 4π और रेडियस ऑफ प्लैनेट पी का क्यूब था और यहाँ 4a था, सो 4π रेडियस ऑफ प्लैनेट क्यू का होल क्यूब, एक बार ही चेक करेंगे आपको, सॉरी स्क्वायर ना 4π r² और r², सो जब डिवाइड किया था आपने तो रेडियस होल क्यूब स्क्वायर और रेडियस ऑफ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो रेडियस ऑफ क्यू इज इक्वल टू 4 टाइम रेडियस ऑफ पी इज इक्वल टू 4 टाइम रेडियस ऑफ पी, रुक जाइए हाँ ठीक है, ये तो ठीक है, रेडियस ऑफ क्यू को मैंने रिप्लेस किया था 4 टाइम रेडियस ऑफ पी, ठीक है, वहां पे लिखने में मिस्टेक हुआ था मेरा, तो आप करेक्ट कर लेंगे, आप करेक्ट कर लीजिएगा,
ये सब सही है और सब सही। फोर्थ नंबर, फोर्थ पॉइंट पे आप तीनों प्लैनेट अब आप बनाएंगे, ठीक है। सो अब आप चेक करेंगे तीनों प्लैनेट बनाना है। सो प्लैनेट देखिए कैसे कैसे बनाना है। अगर प्लैनेट पी ऐसा है, अगर आप इसके रेडियस को आर लिखेंगे, सो प्लैनेट क्यू ऐसा होगा, इसका रेडियस जो हो जाएगा श्योर टू आर हो जाएगा। रेडियस ऑफ प्लैनेट क्यू इज इक्वल टू टू टाइम रेडियस ऑफ प्लैनेट पी। और अगर आप आर बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, सो इसका रेडियस और बड़ा। देखिए ये रेडियस ऑफ प्लैनेट आर, रेडियस ऑफ प्लैनेट आर जो है वो 9 पे पावर 1/3 मतलब 2 से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट नहीं चाहिए बट आपको ये पता है कि ये इससे भी बड़ा हुआ। सो 9 पे पावर 1/3 इंटू आर, ये आप ऐसे फिगर बना लेंगे। अब आप क्वेश्चन बना लेंगे। अब आपका क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर तीनों प्लैनेट का डेंसिटी सेम है सो जो स्केप स्पीड है सो स्केप स्पीड जो है प्रोपोर्शनल टू होता है रेडियस। तो अब आप बताएंगे सबसे ज्यादा स्केप स्पीड हो जाएगा आर का, सबसे बड़ा रेडियस उसका है, फिर उसके बाद क्यू का, उसके बाद पी का। सो स्केप स्पीड फॉर आर ग्रेटर देन स्केप स्पीड फॉर क्यू एंड देन स्केप स्पीड फॉर द प्लैनेट पी। तो एक ऑप्शन आपको ये चेक करना है। तो एक आईटी का काफी अच्छा क्वेश्चन था। सो आप रिलेट करेंगे। अभी और है, और ऑप्शन है, और मैं ऑप्शन चेक कर लूंगा। फाइनली फिगर यही है, मेन फिगर ये है। आप रेडियस को कैलकुलेट करना था जो गिवन हिंट है उसके हेल्प से, उसके बाद तो आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्या क्या है मैं चेक करता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक तो ये है जिसके अंदर ऑप्शन आ रहा है आपका बी, एक तो ऑप्शन बी है। पेपर में लिखा हुआ मल्टीपल क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन बी हो गया। दूसरा है आपका स्केप स्पीड फोर आर डिवाइड बाय स्केप स्पीड फोर पी, ये रेशियो पूछा गया। सो रेडियस स्केप स्पीड फ्रॉम आर, सो 9 पे पावर 1/3 और यहां पे 1। तो एक आंसर ये होना चाहिए जो कि मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, स्केप स्पीड फ्रॉम प्लैनेट पी टू स्केप स्पीड फ्रॉम प्लैनेट क्यू, सो स्केप स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यहां रेडियस आर लिखेंगे, यहां रेडियस टू आर लिखेंगे, सो 1/2 ये मैच कर रहा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन। सो अगेन मैं स्लाइड प्रेजेंट करूंगा, आप उसको स्टॉप करके गिवन इंफॉर्मेशन एक अच्छा ड्राइंग बनाएंगे देन सॉल्व करेंगे। सो ये है आईडी मेन का क्वेश्चन जो मैंने अभी स्लाइड प्रेजेंट किया था, उसके अकॉर्डिंग आप ड्राइंग करेंगे। तो ड्राइंग यही रहा आपका कि अर्थ सरफेस मून सरफेस सेम डेंसिटी, डेंसिटी सेम लिखा हुआ है और यहां से एक रॉकेट को प्रोजेक्ट करना है जो रिटर्न नहीं करे, स्किप कर जाए। सेम रॉकेट को नाउ यहां से भी प्रोजेक्ट करना है मून सरफेस से भी, और ये एनर्जी लिखा हुआ है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज ई लिखा हुआ है, यहां मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ई डैश चाहिए। हाँ एक हिंट लिखा हुआ है कि दोनों मून का अर्थ का डेंसिटी सेम है बट अर्थ का वॉल्यूम जो है वो हो गया 64 टाइम द वॉल्यूम ऑफ मून। ये हिंट है आपका। आसान सा क्वेश्चन, इजी तो लग रहा है क्वेश्चन। देखिए हमें मिनिमम एनर्जी टू स्किप, स्किप के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो ये कहिएगा आप एनर्जी की हाफ और सैटेलाइट, सैटेलाइट जो हुआ एम,
एम नॉट जो रॉकेट हुआ और स्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ अर्थ सरफेस से ऐसे हो गया, ये हो गया स्केप स्पीड हुआ। और अगर हम लोग मून सरफेस से बात करेंगे सो आप लिखेंगे हाफ और एम नॉट स्केप स्पीड फ्रॉम मून सरफेस, ऐसे आप कह सकते हैं स्केप स्पीड। ये जो दोनों टर्म आप देख रहे हैं ये वी अर्थ से स्केप और ये मून से स्केप, ये है स्केप स्पीड। क्योंकि नेवर रिटर्न का मतलब ही है, मीनिंग आपको समझ जाना था कि वो तो मिनिमम एनर्जी है उसका मतलब ही है स्केप हो। अब हमें रेशियो चाहिए था, तो अगर मैं ई डैश बाई ई कर लूं तो यहां पे आपको स्केप फ्रॉम द मून और डिवाइड बाय स्केप फ्रॉम द अर्थ का मैं स्क्वायर कर लूंगा, ठीक है। और देखिए ध्यान से, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, आप रिजल्ट पढ़े हुए थे कि अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, सो अगर डेंसिटी कांस्टेंट होता है तो स्केप स्पीड प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेडियस। अभी तो क्वेश्चन आईडी का बनाए थे, ठीक है। सो चलिए, सो ई डैश अगर हमें निकालना है तो मैं ई कर लूंगा और यहां पे मैं बोलूंगा कि रेडियस ऑफ मून और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन है, एक मिनट में आपको करना होता है। अब रेडियस तो नहीं लिखा हुआ है बट वॉल्यूम तो दिया हुआ है ना, सो अब चलिए इसको हेल्प से ब्रेक करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ गिवन, अर्थ जो है स्फेरिकल बॉडी है, मून भी स्फेरिकल बॉडी है, सो अर्थ का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और रेडियस ऑफ अर्थ 64 टाइम, यहां पे करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब और ये मून हो गया। सॉल्व कर लीजिएगा, रेडियस ऑफ अर्थ 64 किसका क्यूब रूट हो गया, 4 ना 4 तीन बार करेंगे और 64 तो 4 इंटू रेडियस ऑफ मून, ये तो आपने सॉल्व कर लिया। बाकी आप यहां पे पुट करेंगे तो ई डैश जो चाहिए वो आप सॉल्व कर लेंगे, एनर्जी और रेडियस ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ 1/4, 1/4 का स्क्वायर हो गया 16 हो गया। देखिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन टॉपिक, बट बहुत ज्यादा इजी है। शुरू से आप लेक्चर 1 से ही आप पढ़ें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या सैटेलाइट पढ़ें, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इससे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन 15 नंबर, अगेन मैं स्लाइड अभी दूंगा, स्लाइड को स्टॉप करिएगा, रोकिएगा और देन गिवन डाटा इंफॉर्मेशन एक अच्छा ड्रॉइंग देन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का है, ये क्वेश्चन आईटी एडवांस में पूछा हुआ है और लिखा हुआ कि एक प्लैनेट है, ठीक है, ये एच तो नहीं लिखा हुआ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मतलब ये एक प्लैनेट है और इस प्लैनेट से एक बुलेट को फायर कर रहे हैं और वो जब अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, मैक्सिमम हाइट का मीनिंग आप जानते हैं कि जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा वहां स्पीड जीरो हो जाएगा। 1D मोशन 1D प्रोजेक्शन में भी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके स्पीड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सो अभी यहां लिखा हुआ इंफॉर्मेशन कि हाईएस्ट पॉइंट पे गया उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो अर्थ के या प्लैनेट के सरफेस के कंपेयर में 1/4 होगी, ठीक है। नो उसके बाद बोला जा रहा है कि अगर हम उसी प्लैनेट से किसी को स्केप कराए तो वो स्केप स्पीड लिखा हुआ वी अंडर रूट एन, वो n का वैल्यू चाहिए, इंटीजर टाइप आईडी क्वेश्चन, काफी इजी है कॉन्सेप्ट। यहां तीन कॉन्सेप्ट लगेगा, नंबर वन कॉन्सेप्ट, सबसे पहले ये g एट पॉइंट b इस गिवन इंफॉर्मेशन से हाइट कैलकुलेट करिए, कितना हाइट पे, नंबर वन। नंबर टू आप लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां स्पीड है, यहां पे स्पीड जीरो होगा और एनर्जी कंजर्व करके ये v का वैल्यू निकालेंगे।
और उस वी का वैल्यू थर्ड पॉइंट में एस्केप से कंपेयर करेंगे। है एकदम आसान, एकदम इच स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप चले हम लोग पढ़ते हैं। सो यहाँ मैं इसको मिटा रहा हूँ और फर्स्ट पॉइंट, पहला हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन लेना है, फिगर आप ड्रॉ करेंगे, आपको ये मैक्सिमम हाइट खोजने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये वी हटा देता हूँ या छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे एच, ये एच खोजने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम हाइट। आप जानते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट आप पढ़े हुए हैं, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आप जानते हैं कि जो हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस, वो जो आपका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी, वो होता है जी और वन प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। ये पढ़े हुए ठीक है, आप पुट करेंगे यहाँ पे जी बाई फोर, ये हो गया जी और वन प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, वन प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू टू हो गया, यहाँ से हटा लेंगे एच इज इक्वल टू आर। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको ये कैलकुलेट करना था कि कितने हाइट तक क्या है बुलेट आपको ठीक है। नेक्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, अब ये हटा लेंगे सर, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये हटा लेंगे आपका प्लैनेट। नाउ ये है आपका हाइट जो है, ये पता चल चुका है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो आर के बराबर, ये है प्लैनेट कर लीजिएगा, प्लैनेट का ये भी आप डिस्टेंस आर के बराबर कर लेंगे, इसको और छोटा करना है और नीचे करना है तो आप कर लेंगे। ये पॉइंट बी और ये है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड तो जानते हैं कि जीरो हो जाएगा ठीक। अब अगर ए पॉइंट बी पॉइंट पे आप एनर्जी का कंजर्वेशन करेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी, और रेफरेंस लेना है पोटेंशियल एनर्जी, लिखते हैं ना आप सेंटर से, सो यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस हो जाएगा आर, और सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा टू आर। बाकी आप सॉल्व करिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें स्पीड निकालना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो हो जाएगा, सो इससे हमें वी निकालना था। अब सॉल्व करेंगे आप एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी, एट पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे लिख लेंगे। यहां पे पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी जो हो गया हाफ एम नॉट और वी स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस जी एम एम नॉट और डिवाइड बाय आर, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए का, यहां पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम नॉट और सेंटर से डिस्टेंस लीजिएगा टू आर हो गए। सॉल्व कीजिए, वी निकालिए, सो वी स्क्वायर बाय टू और ये एम नॉट कैंसिल हो गया, ये उधर चला गया और ये हुआ जी एम और यहाँ टू टू हो गया बाय टू आर। सॉल्व कीजिए और इस तरह आपका स्पीड जो हुआ, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हुआ जी एम बाई आर। हो गया लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट और है इजी स्टेप है, आईडी क्वेश्चन बट एकदम आसान, इतना सारा इंफॉर्मेशन था कि आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे सब बनते जाएगा। थर्ड पॉइंट, अब लास्ट पॉइंट है कि अगर आप इस प्लैनेट से स्केप करेंगे, सो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इस प्लैनेट से अगर आपको स्केप करना है, सो ये प्लैनेट का मास m है, इसका रेडियस r है, सो अगर यहाँ से आपको स्केप करना है तो आप जानते हैं साइंस में स्केप स्पीड अंडर रूट टू और g कैपिटल m बाई r होता है, आप पढ़ चुके हैं
आप जानते हैं एस्केप स्पीड ये होगा। अब इसको थोड़ा और बेटर फॉर्म में लिखेंगे तो एस्केप स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम आई आर हो गया और यहाँ पे हो गया अंडर रूट टू, ऐसा कर लीजिए। सो एस्केप स्पीड जो हो गया अंडर रूट जी एम बाई आर, ये हो गया वी, ठीक, और हो गया रूट टू। ये तो था एडीमी क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था कि एस्केप स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन अंडर रूट एन, ऐसे लिखा हुआ था। और इस तरह अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो एन का वैल्यू 2 आ जाएगा, हो गया। तो था आईडी एडवांस का क्वेश्चन। सो सबसे सारे बेस्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशन में, और नेक्स्ट फिर आईडी मेन का क्वेश्चन मैं देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का है और एडवांस का भी क्वेश्चन है। देखिए फिर से एडवांस का क्वेश्चन रिपीट किया और सेम डाटा के साथ। सो ये आईटी एडवांस में 2011 में क्वेश्चन आया था, जो आईटी मेन में 2019 में क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन। तो काफी क्वेश्चन रिपीट होता है आईटी एडवांस का क्वेश्चन आईटी मेन में आपको। सो लिखा हुआ है कि एक सैटेलाइट है और वो लिखा हुआ है रिवॉल्व अराउंड द अर्थ सर्फेस, ये गिवन है पेपर में। फिर लिखा हुआ कि एक मास, ये सैटेलाइट जो रिवॉल्विंग सैटेलाइट है उसी में से एक मास निकला, वो मास निकला और इजेक्टेड फ्रॉम द सैटेलाइट और वो मास निकल के एस्केप कर गया, मास एस्केप किया। सो एट द टाइम ऑफ इजेक्शन, जैसे ही वो मास निकल रहा है उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो तब आसान है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आप जानिए, आप जानते हैं कि ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का जो स्पीड, ये स्पीड जो है वो साइंस में ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं, आप पढ़ चुके हैं। और ये ऑर्बिटल स्पीड जो हुआ अंडर रूट होता है जी आर, ये आप जानते हैं। सबसे पहले ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट जानिए ऐसे, ठीक। और जैसे ही वो यहां से मास जो है वो स्केप किया, ये ऑर्बिटल स्पीड ये भी जानते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ, अर्थ के अगल बगल ही घूम रहा है, ठीक है। और अगर जैसे ही ये एस्केप करेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये काइनेटिक एनर्जी जो निकालेंगे वो आप पढ़ते हैं हाफ, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ और एम और वी स्केप स्क्वायर, ठीक है, स्केप स्क्वायर। अब आप सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो हुआ हाफ और एम एस्केप स्पीड अंडर रूट टू और जी आर स्क्वायर करेंगे, हो गया आंसर, आप सेट कर लेंगे क्योंकि आंसर में आपका वी के टर्म में है। तो आप अब लास्ट लाइन काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करेंगे तो यहां आप कर लेंगे एम और इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो टू और टू कैंसिल हो गया और जी इंटू आर और जी आर वी का स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी हो गया एम और वी स्क्वायर, देखिए सर भी तब आसान सा क्वेश्चन। सो जैसे ये इसमें बाहर निकलेगा एस्केप करेगा और एस्केप करते ही आप जानते हैं कि ये साइंस में आप पढ़े हुए हैं कि इसका एस्केप स्पीड होता है अंडर रूट टू और जी आर, क्योंकि ये वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस ही है वो। सो इसका काइनेटिक एनर्जी आप इस टर्म में लिखेंगे तो हाफ एस्केप हो रहा है ना, लिखा हुआ जस्ट एस्केप, तो हाफ एम वी स्क्वायर और वी के टर्म में लिखेंगे तो इसको सॉल्व करके आप जानते हैं ऑर्बिटल स्पीड के टर्म में लिखना है, आप ये पुट कर लेंगे तो एकदम आसान सा थ्रिडल क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का ही, एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है देन फाइनल।
सो नेक्स्ट आईडी मेन का क्वेश्चन और मेडिकल का क्वेश्चन भी है और ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर से हम लोग रिपीट करेंगे और जल्दी से यहाँ पे फिर से कंप्लीट करेंगे। सो आईडी मेन में 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है और जस्ट 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। पीएमटी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है वेरी क्लोज टू द अर्थ सर्फेस, क्योंकि एच लिखा हुआ है मच लेस देन आर, मिनिमम इंक्रीज इन ऑर्बिटल स्पीड सो दैट सैटेलाइट कुड एस्केप। सो एकदम आसान है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको, पहले पढ़ा हुआ है। मान लीजिए सैटेलाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये है सैटेलाइट, ठीक है, ऐसे। सो देखिए ये अभी जो चल रहा है, अभी ये चल रहा है सैटेलाइट, यहाँ पे ये स्पीड आप जानते हैं कि ये स्पीड जो होता है अंडर रूट और जी आर होता है, ऑर्बिटल स्पीड ये पढ़े हुए, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो सॉल्व करने के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूं। सो ये आप ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो यहां ऑर्बिटल स्पीड आप जानते हैं कि ये ऑर्बिटल स्पीड है और अंडर रूट होता है जी आर, क्योंकि सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वेरी क्लोज टू द अर्थ सर्फेस, ठीक। अब अगर इस सैटेलाइट को स्किप करना है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि इस सैटेलाइट को स्किप कराना है, तो अगर आप इसको चाह रहे हैं कि ये यहां से ऐसे स्किप कर जाए, तो आपको पता है कि स्केप करेगा तो यहां पे इसका स्पीड जो हो जाएगा स्केप स्पीड, जो आप इसको स्केप कराएंगे तो स्केप स्पीड आप पढ़े हुए हैं अंडर रूट टू और जी और आर है, ये है, ठीक है। सो मिनिमम इंक्रीज इन स्पीड पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि मिनिमम इंक्रीज इन द इट्स ऑर्बिटल स्पीड, तो ऑर्बिटल स्पीड है उसमें कितना इंक्रीज करें, ठीक है। सो देखिए आपका यह है ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है, प्लस यहाँ पे इंक्रीज कर लीजिएगा डेल्टा वी, ठीक है, ये इंक्रीज इन स्पीड कर दीजिएगा, ये है इंक्रीज इन स्पीड, और ऐसा करके इसको स्किप कराना है, तो यहाँ वी स्किप कर लेंगे, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करिए। छोटा सा क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सो सॉल्व कर लीजिए इसको। सो इंक्रीज इन स्पीड अंडर रूट ये हो गया, आप अंडर रूट इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद ऊपर मैं कर ले रहा हूँ, ये है अंडर रूट जी आर, ऐसे भी इसी फॉर्म है, और इंक्रीज इन स्पीड और ये लिखा हुआ अंडर रूट टू जी आर, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, इंक्रीज इन स्पीड अंडर रूट जी इंटू आर और ये हुआ रूट टू माइनस वन, ये देखिए इंक्रीज इन स्पीड ऑप्शन में रहेगा। ना वो मेडिकल में भी आ चुका है क्वेश्चन, पूछा था कितना परसेंट इंक्रीज कर रहे, पूछता है परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड, ये तो आईडी मेन में दो बार यही है इंक्रीज इन स्पीड। नेक्स्ट पूछा जाता है कि परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड, स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो दिख रहा है आपका 41.4% इंक्रीज इन स्पीड। सो जो डेल्टा वी है और डिवाइड बाय इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड ऑर्बिटल है और 100 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए अंडर रूट जी आर, यहाँ रूट टू 1.414 माइनस वन डिवाइड बाय ऑर्बिटल स्पीड होता है अंडर रूट जी आर, सो इनटू द 100%, सॉल्व करिए, ये कट गया वहां से कट गया, वन हटेगा 0.414, 41.4%। सो ये मेडिकल क्वेश्चन था कि कितना परसेंट स्पीड बढ़ाएं कि स्केप कर जाए, परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड। फाइन, तो ये क्वेश्चन, ये पीएमटी का क्वेश्चन था, ये वाला मेडिकल क्वेश्चन था, ये वाला दो बार आईटी क्वेश्चन मेन में पूछ चुका है, ये पीएमटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हम लोग भी पढ़ चुके हैं इसको। नाउ नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी, कई बार क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी, जैसे आपका या आप इंक्रीज इन एनर्जी कर लेते हैं फिर परसेंटेज इंक्रीज कर लेते हैं, तो
एक क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ आपका, थर्ड क्वेश्चन इसमें करेंगे तो सेम क्वेश्चन में कि सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, कितना इसका एनर्जी इंक्रीज करें, सो परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी सॉल्व करिए, तो ये पहले इंक्रीज इन एनर्जी करिए, तो फोर स्केप डेल्टा ई इंक्रीज इन एनर्जी पूछते हैं इन एनर्जी बनी, पहले इंक्रीज इन एनर्जी करिए फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। सो आप बोलेंगे कि स्टार्टिंग जो ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी, ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन एनर्जी और फाइनली स्केप कर गया काइनेटिक एनर्जी फोर स्केप। सॉल्व करेंगे हाफ, मान लीजिए एम मास ले लीजिए इसका एम, और स्क्वायर तो ये हुआ जी आर प्लस डेल्टा ई हाफ एम टू जी आर। सॉल्व कर लीजिए हाफ एम जी आर, एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट, जो मास सैटेलाइट है उसका, क्योंकि इसका एनर्जी के बारे में बात करेंगे, इसका परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी। नेक्स्ट कर लीजिए परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी हंड्रेड परसेंट आया था, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये डेल्टा ई और डिवाइड बाय इनिशियल एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये देखिए डेल्टा ई है और ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो आप डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड यहाँ रख लीजिए, ये वाला डाटा यहाँ रख लीजिए, देखिए कट गया और आंसर आ जाएगा 100%। सो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि स्पीड आपको बढ़ाना है, सो 41.4% के सब लोग पता रहता है कि यहाँ से यहाँ अगर स्केप करना है तो 41.4% स्पीड इंक्रीज करना है। स्पीड या फिर 100% इंक्रीज इन एनर्जी, सो ये स्किप करेगा, तो ये कंडीशन था जो काफ़ी फेमस है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आज फिर हम लोग रिपीट कर लिए और आता भी तो है, ये भी तो रिपीट होते रहता है बार बार क्वेश्चन। सो स्किप मेरा फाइनल, स्किप 100% फाइनल, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कंप्लीट कर लेंगे, सो कोई भी एग्जाम का आईटी का हो, आईटी मेन का, एडवांस का, स्किप स्पीड फाइनल, सैटेलाइट 100% फाइनल, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, ग्राफिकल फॉर्म, प्रोजेक्शन ऑफ द सैटेलाइट, सब चीज कंप्लीट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइनल। नेक्स्ट क्लास आपको कैपलर लॉ मैं समझा दूंगा, उसके बाद फिर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो आसान है तो पढ़ाऊंगा, पढ़ाना तो मुझे एक एक चीज़ है। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपलर लॉ, एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा, एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, एनी बुक से आप रीडिंग कर लीजिएगा।